मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम नवंग सांगे है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने टेंस टॉपिक को चुना है। और इस टेंस टॉपिक को मैं आज ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि टेंस है क्या चीज़ है। अगला जो डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट टू में पढ़ेंगे। तो आज पार्ट वन में हम सिर्फ टेंस के इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं इसके कंसेप्ट को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो टेंस होता क्या है? द टेंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेंपस व्हिच मींस टाइम। सिंपली टेंस जो शब्द है, टेंस जो वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, टेंपस व्हिच मींस टाइम, जिसका मतलब टाइम होता है। इसीलिए हमने टेंस को कहा है समय। हिंदी में हम बोलेंगे समय, है ना। तो टेंस मींस टाइम। क्यों? क्योंकि टेंस वर्ड को हमने डिराइव किया है, लिया गया है एक लैटिन वर्ड टेंपस से, जिसका मतलब होता है टाइम। अब इस टाइम को हम क्लासिफाइड करते हैं तीन भागों में। टेंस को हमने क्लासिफाइड किया है तीन पार्ट्स में, तीन भागों में हमने इसको क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से है? पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये वर्तमान में, हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान में, वर्तमान काल, वर्तमान में क्या हो रहा है, यानी कि आज क्या हो रहा है ना, आज के बारे में हम इसको पढ़ेंगे, वो आता है हमारे प्रेजेंट टेंस में। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है। कल क्या हुआ था, हमने क्या कल क्या किया था, 10 साल पहले हमने क्या किया था, वो आएगा इस पास्ट टेंस में। यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यस्टरडे के बारे में, है ना, कल क्या हुआ था। तीसरा भाग इसका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को किसी ने देखा नहीं है, उम्मीद करते हैं हम आने वाले काल में, आने वाले काल को हम बोलेंगे भविष्यकाल, भविष्यकाल। और भविष्यकाल मतलब आने वाला काल, है ना। और आने वाले काल में हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? टुमारो में। इससे समझ आ गया, तीन भाग हमने पढ़ा टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों भाग को हम आगे चार चार भाग में पढ़ेंगे, फोर फोर पार्ट्स में हम इनको स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जिसे प्रेजेंट टेंस, इसके चार पार्ट कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आ गया आपका प्रेजेंट टेंस। सेम उसी तरह पास्ट टेंस में भी वही भाग है, सिर्फ पास्ट में चेंज करना, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम तीसरे भाग में भी वही है, फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम देखो, पार्ट सेम है सब में, सिर्फ क्या है, प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट प्रेजेंट आएंगे, पास्ट वाले में पास्ट और फ्यूचर वाले में फ्यूचर। इसी तरह अब ये टेंस में और क्या चीजें यूज होते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको डिटेल पहले लिखा दूंगा, ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब हेल्पिंग देखो, यहाँ पे क्या मैंने आपको पहले कहा कि मतलब हम ये तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट्स, अब उस टेंस में क्या क्या यूज में आते हैं, यूज वाले में जो आपको कीवर्ड्स इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार यूज आएंगे आपको उस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते टाइम, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखना है। इसमें क्या चीज, तीन चीजें आपको पूरे टेंस में याद रखना है। पहला तो है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एक है। अब हेल्पिंग वर्ब में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डू, डज, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, या आएगा आपको प्रेजेंट टेंस में, फिर हैड, डिड, वाज या वर, या आपको आएगा पास्ट में, है ना। ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब आपको आएगा प्रेजेंट टेंस में यूज आना है। और ये जो हैड, डिड, वाज, वर, ये आपको आएगा किसमें, पास्ट टेंस में यूज में आना है। और ये जो विल, शैल, ये आपको आएगा यूजेस फ्यूचर में, है ना। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब आपको यूज में आना है। और उसके बाद आपको एक और यूज में आएगा वर्ब। वर्ब क्या होता है, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिफ्थ सिक्स सेवन में वर्ब के बारे में। तो वर्ब में क्या रहता है, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं। अब देखो प्रेजेंट में क्या है, जैसे राइट, फिर पास्ट में रोड, फिर पास्ट में रिटर्न, फिर फोर्थ फॉर्म में राइटिंग। इसी तरह ये वर्ब जो आपकी क्रिया,
इसमें ये तीन फॉर्म्स ऑफ इसके वर्ब है जो आपको हर टेंस में यूज में आना है। अब जैसे डू डू अगर लिख दिया तो फर्स्ट फॉर्म क्या है डू, और सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और फोर्थ फॉर्म आपका डूइंग। इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको याद करना है, रिमेम्बर करना है। कोई 30 से 40 वर्ड्स तक आपको ये वर्ड आने ही चाहिए ताकि आप टेंस को सही ढंग से पढ़ सकें। अब इस टेंस में क्या है, जैसे हम उधर आपको यूज में आएंगे, जैसे मैं प्रेजेंट को लिख दूंगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मानेंगे यानी कि V1 में, और V2 क्या हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और V3 हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड V4 आ गया आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरीके से भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज और यूज होगा ऑब्जेक्ट करके। ऑब्जेक्ट तो सिंपल है, आपने क्या करना है, जैसे आप कोई सेंटेंस जब बोलते हैं मैं लिख रहा हूँ तो क्या करो, लिख रहा हूँ तो लिखना, खाना और गेम खेलना, ये वर्क ये सारा आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से इस टेंस का जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब को लेकर, वर्ब को लेकर और ऑब्जेक्ट को लेकर। पढ़ना आपने अगर है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है उस टाइम आपको ये यूज आएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टेंस में क्या चीज है, टेंस चीज जो है क्या है, ये आपको मैंने थोड़ा इलेबरेट कर दिया है कि इसमें ये पार्ट है। पढ़ना आपने सेकंड पार्ट में है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं पढ़ाऊंगा आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, है ना। तब तक आपको इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर आप मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।